नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस स्थिति से जुड़ी बात की जिसका कि रिजल्ट आमतौर पे गठिया होता है, आर्थराइटिस होता है, और वह है बोनी स्पर। बोनी स्पर साथियों, बोन के कहीं कहीं पे एलोंगेशन, जब बोनी ग्रोथ हो जाती है, आप लोग हड्डी पड़ने से बहुत परेशान हो जाते हैं, उसी को बोनी स्पर कहते हैं। और वह आपके मन में भी कौतूहल पैदा करता है, वो सालों तक अनट्रीटेड या एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है, लेकिन फिर भी वह एक समस्या होती है। हम आपको बताएंगे साथियों बोनी स्पर को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं बोनी स्पर होता क्या है। बोनी स्पर साथियों, जब आपके कहीं बोन में टियर होता है, कार्टिलेज में टियर होता है, तो बॉडी उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। उसी कोशिश में वो वहाँ पे टिश्यू बनाता है, और जब उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो वह आपको एक रिज के फॉर्म में, एलिवेटेड एरिया के फॉर्म में अपने शरीर में दिखने लगता है, और कभी कभी यह आपके मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट कर देता है। इसी को बोनी स्पर कहते हैं। आमतौर पर यह ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में होता है। इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। सिम्टम्स इसके, आपके किसी भी जॉइंट में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको रही होती है, जोड़ों में दर्द रहा होता है, उसके बाद आपका मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसमें काफ़ी जगह पर उसका कल्प्रिट बोनी स्पर होता है। या आपके हिप रीजन में भी हो सकता है, आपके शोल्डर जॉइंट में भी हो सकता है, आपके नी जॉइंट में भी हो सकता है। इसके कॉज की बात कर लें साथियों, तो कॉज इसका जो बोनी आउटग्रोथ होती है, इसका कॉज जो है वह वियर एंड टियर ही होता है। जब आपके कहीं पे कार्टिलेज डैमेज होती है जॉइंट की, तो उसके वहाँ पे वो टिश्यू जो बॉडी का रिपेयर होता है, उस रिपेयरिंग में कैल्सिफिकेशन होता है, और उस कैल्सिफिकेशन में जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पे उसका कैल्सिफिकेशन होके वह बोनी स्पर बना देते हैं। हम आपको साथियों बताएंगे बोनी स्पर को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। आपसे यह कहना चाहेंगे साथ में कि यह आपकी जानकारी के लिए दवाएँ बताई जा रही हैं। कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के न लें, क्योंकि बहुत से कारण बोनी स्पर के हो सकते हैं जो एक प्रोग्राम में कवर नहीं कराए जा सकते या बताए नहीं जा सकते हैं। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको बोनी स्पर को ख़त्म करने की या बोनी ग्रोथ को, आउटग्रोथ को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। साथियों, नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में बोनी स्पर को ख़त्म करने की है, वह है कैल्केरिया फ्लोरिका। अगर आपके बोनी स्पर है, कहीं पे आपके बोनी आउट ग्रोथ है, तो आप कैल्केरिया फ्लोर 6x ले लें, और उसकी 4 टेबलेट आप दिन में 4 बार लेते रहें, लगातार 6 महीने 3 महीने तक, जब तक आपको फ़ायदा ना हो जाए। आप देखेंगे कि यह दवा आपके उस बोनी आउट ग्रोथ को डिसॉल्व कर देगी, और आपके जो जॉइंट्स का आर्टिकुलेशन है, मूवमेंट है, उसको भी यह और स्मूथ कर देगी। फिर साथियों, एक स्थिति आती है बोनी स्पर में या खासतौर से कैल्केरियल स्पर में, कि आप चले तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ी, चलने पे आपके जो हील का पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर यह स्थिति साथियों आप में हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है अमोनियम म्यूरेटिकम। आप अमोनियम म्यूरेटिकम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि चलने से अगर आपके हील का पेन बढ़ रहा है, वह ख़त्म हो गया, और आप अपने को बेहतर महसूस करने लगे। फिर साथियों, एक स्थिति आती है बोनी स्पर की, कि आपके जो हील की हड्डी है वह बढ़ गई, और आपको चलने में बहुत तकलीफ़ होने लगी। तो अगर साथियों यह स्थिति हो कि आपको चलने में बहुत तकलीफ़ हो गई हो, आपके हील की हड्डी बढ़ गई हो, तो उसको ठीक करने की, यानी कैल्केरियल स्पर हो गया हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। उस एड़ी के दर्द को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है अमोनियम म्यूरेटिकम। आप अमोनियम म्यूरेटिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि जो आपकी एड़ी की हड्डी है उसका दर्द ख़त्म हो गया, और आप स्वस्थ हो गए। फिर साथियों, की स्थिति देखी जाती है कैल्केरियल स्पर में, कि वहाँ पर जो आपके जो हील में पेन हो रहा है, वह पेन आपके पीछे एचलीस टेंडन तक आपके जा रहा है। तो अगर यह स्थिति हो कि वो एचलीस टेंडन तक, यानी आपका जो हील होता है, हील के ऊपर का जो लिगमेंट होता है, उस लिगमेंट तक आपके पेन जा रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रूटा जी। आप रूटा जी 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जो एचलीस टेंडन तक का जो यह पेन एक्सटेंड हो रहा है हील से कैल्केरियल स्पर में, यह ख़त्म हो गया, और आप स्वस्थ हो गए। फिर साथियों, एक स्थिति आती है कि आपके जो बोनी स्पर होता है,
वह बोनी स्पर में कहीं पर भी जो हड्डी निकली होती है उसको छूने से भी दर्द हो रहा है। अगर यह स्थिति साथियों है कि उसके टच से भी आपके पेन हो रहा है आपके कैल्केनियल स्पर या बोनी स्पर में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है मिजेरियम। आप मिजेरियम 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि आपके जहां कहीं भी बोनी आउटग्रोथ या कैल्केनियल स्पर में छूने से भी दर्द हो रहा हो, उस वक्त में आपके ड्रग ऑफ द चॉइसिस मिजेरियम। एक साथियों स्थिति आती है आपके कहीं भी बोनी आउटग्रोथ हो, खास तौर से आपके हील में नीचे पैर के तलवे में हड्डी बढ़ गई हो और आपको रात में बहुत दर्द हो रहा हो। अगर यह स्थिति हो साथियों कि आपको रात में बहुत दर्द हो रहा हो लेटने के बाद आपके हील में या किसी भी बोनी आउटग्रोथ में, तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है ऑरम मेटालिकम। आप ऑरम मेटालिकम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका यह जो हील में पेन हो रहा है यह ख़त्म हो गया, आपकी हड्डी का जो स्पर है वह भी डिजॉल्व होने लगा और आपकी हड्डी बिल्कुल बराबर नॉर्मल स्मूथ होके उस पेन को हमेशा के लिए रिलीफ करने लगी। फिर साथियों एक कंडीशन आती है बोनी स्पर या कैल्केनियल स्पर में, यानी रीढ़ ये हील की हड्डी में, कि जब आप बहुत देर तक खड़े रहे जो आपके पेन होने लगा। तो अगर यह स्थिति साथियों हो कि बहुत देर तक आप खड़े रहे और आपके पैर की एड़ी में तलवे में बहुत दर्द होने लगा, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है रस्टॉक्सीडेंड्रॉन। आप रस्टॉक्स 1 mg पावर की 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो हील पेन हो रहा है, जो बोनी स्पर है कैल्केनियल स्पर है, वह पेन भी ख़त्म हो गया और आप ठीक हो गए। रस्टॉक्स वह दवा है जो आपकी हड्डी को भी डिजॉल्व करेगी, बढ़ी हुई पैर के हील की एड़ी की, आपके मसल्स को भी ताकत देगी, उसको भी स्ट्रांग करेगी और आपके पेन को भी ख़त्म करेगी। फिर साथियों एक दर्द का एहसास कभी कभी होता है जहां आपकी हड्डी बढ़ी हो, खास तौर से आपके हील की हड्डी बढ़ी हो कैल्केनियल स्पर में, कि वह होता है बिल्कुल बोरिंग टाइप पेन, कि मतलब बिल्कुल ड्रिल कर दिया गया, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है अंदर तक चुभन वाला दर्द हो रहा है। अगर वह स्थिति हो साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है अर्निया डायडेमा। आप अर्निया डायडेमा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि आपको बिल्कुल ऐसा दर्द हो रहा है कि बिल्कुल लग रहा है कि अंदर तक ड्रिल कर दिया गया, उस स्थिति में आपका कैल्केनियल स्पर बोनी स्पर को ठीक करने की बहुत कारगर दवा अर्निया डायडेमा है। ये साथियों कुछ दवाएं थी कैल्केनियल स्पर को ठीक करने की, आपको आराम देने की। अगर साथियों आपको कोई मन में क्वेरी अराइज हो रही हो तो आप हमारे नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं सीधे 9415786380 फ़ोन नंबर पर 9415786380। साथियों अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार।